ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बक्सर में भाजपा एक ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो पार्टी भरोसा नहीं जता सकती है, लेकिन इसका एक खास वजह यह है कि जो बक्सर के लोकसभा सीट पे पहले से अधिपस्त बना लेते हैं, वो बक्सर के लोगों में इस तरीके के फूट और एक संगठनात्मक जो माहौल है उसको इतना अलग अलग रूप दे देते हैं कि यहाँ पे ही लोग अपने आप में निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें अपने बीच में से किसको चुनना है और किसको मजबूत करना है। जिस तरीके से जनता भी सवाल उठा रही है कि हमें स्थानीय चाहिए, तो आपको क्या नहीं लगता है कि अगर स्थानीय होगा तो बक्सर को बेहतर? हम आपको मेन मुद्दा वही बता दिए कि समझने वाली चीज है, समझने वाली चीज है कि हमारे यहाँ जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व करता कुछ ही लोग करते हैं, बाकी कार्यकर्ता होते हैं, उसी तरह जनता का नेतृत्व जो करते हैं हमारे गांव के जितने भी जनता जनार्दन हैं उनके जो नेतृत्व करता एक तरह से कहा जाए तो हम समाज सेवी लोग हैं और संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो पोस्ट पे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो है जो उनको आवाज उठाते हैं। गाँव की आवाज कौन उठाता है? किसी भी गांव का, किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का, उसका प्रतिनिधि, उसका जो प्रतिनिधि करने वाला जिस भी पार्टी के लोग हैं वो उठाते हैं। तो वो अपनी आवाज तो रख रहे हैं, लेकिन हम उठाने वाले आपस के एक दूसरे के इतने विचार के मतभेद से जुड़े हुए हैं, हम सबके विचार अलग अलग बन गए हैं, जिसकी वजह से आज बक्सर को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, यही यथार्थ सत्य है। तो आपको भी लगता है कि बक्सर के साथ गलत हुआ है? तो ये नहीं कहेंगे कि बक्सर के साथ गलत हुआ है, हम ये जरूर कहेंगे कि हमें बक्सर के लोगों को जरूर एक बार कहेंगे कि ये लोगों के बातों में ना आए, कोई भी प्रतिनिधि आए उनको देखते हुए अपने आप को संभाले और एकजुट होके बक्सर के विकास के लिए सोचेंगे तो हम लोगों में से ही कोई ना कोई आने वाला समय में नेतृत्व करेगा, यह हमारा विश्वास है। अगला कदम आपका क्या होगा कि आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे भाजपा के प्रचार में? देखिए, हम गुजरात में भी बीजेपी से जुड़े हुए थे और यहाँ पे भी हम बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन हम सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर कभी ये बात नहीं कहे क्योंकि हमें जमीन पे काम करना था, हमें जमीन को जगह जगह जमीन पर पहुंच कर सभी लोगों भावनाओं को समझना था और सभी वर्ग से हमें जुड़ना था। तो हम पहले ये सोचे कि हम यहाँ पे 3-4 साल ऐसे स्ट्रगल करें, मेहनत करें कि हम लोगों की भावनाओं से जुड़े, स्वभाव से जुड़े, यहाँ के क्या तकलीफें हैं, यहाँ की क्या लोगों की मानसिकता है उनको हम पढ़ें और उस पर हम कार्य करें। तो हम ऐसे कहिए, लेकिन फिलहाल हमारे को जो आदेश मिला, जो हमारे को लगा कि हमें ये करना चाहिए बक्सर के लिए, और जिस तरह से हमारे को बक्सर के जनता, ये खास तौर से प्रेस मीडिया बुलाने की एक खास वजह ये भी है कि लोग अलग अलग तरह से बातें कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, हम तो बहुत ज़्यादा मीडिया में भी नहीं थे 2 महीने से, इसका खास रीज़न था कि हम चुप, वजह कुछ और था होने का कि हम कम से कम ये देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो गांव के लोगों के जो फ़ोन, गांव के लोगों के जो हमारे प्रति लगाव, गांव के प्रति जो हमारे प्रति एक श्रद्धा, एक लोगों का विश्वास जो बना हुआ है, वो विश्वास पे हमें लगा कि उंगली उठ जाएगी और विश्वास कहीं ना कहीं टूटेगा, हमें लगा कि नहीं, हमें उन लोगों को भी समझाना है। बक्सर की जनता आपको भी एक कैंडिडेट के रूप में देख रही थी, आपने भी रैली भी किया था, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर रैली भी किया और एक कैंडिडेट के रूप में देख रहे, उनसे क्या कहेंगे? हम उनसे ये कहेंगे कि हम उस समय भी बक्सर की जनता को जो एक साथ बक्सर के पहले यूथ को हम एकजुट करने की कोशिश की और आज भी हमारा वो देन है कि हम जो रैली किए उससे हमारे बक्सर की जनता और बक्सर की यूथ आज भी एकजुट हमारे साथ है। ये सत्य है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र से बक्सर में उस समय यूथ आए थे और आज भी उतने यूथ हमारे साथ है, आज भी यूथ ये बोल रहे हैं कि हर गांव में हर जगह पे हम भी आपके साथ हैं। तो हमारी वो पहल ही थी, हमारी वो मेहनत ही थी कि उतने उस समय में, जिस समय आप लोगों को पता होगा कि उस समय रोपनी का समय था और हर गाँव के लोग अपनी रोपनी छोड़ के हमारे साथ समर्पित हुए थे और यहाँ पे आए हुए थे और एक अद्भुत रिकॉर्ड बना था। हम यही कहेंगे कि हम बक्सर के जनता को कहेंगे कि हमारे जैसे ही सोच रखें, एक दूसरे से विचार का मतभेद करें, व्यक्तिगत मतभेद न रखें, अगर संगठनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो संगठन को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को सम्मान दें। हम मीडिया बंधु से भी ये बात कहेंगे, हम मीडिया बंधु भी, आप बक्सर के, आप भी बक्सर के क्षेत्र के बेटे हैं, आप भी बक्सर के हैं मीडिया, तो हम चाहेंगे कि हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया है, आप भी बक्सर की आवाज़ उठाइए, आप भी बक्सर की आवाज़ बनिए, हर लोगों को आपने भी ढूंढने का प्रयत्न करिए, आप भी गांव-गांव जाइए, आप भी शहर दुनिया में लोगों को ढूंढिए कि कौन अच्छा नेतृत्व करता है, किसके अंदर क्या प्रतिभा है और कौन व्यक्ति कैसा है, और उसको समाज के पलट पे रखिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाइए, हम तो आपसे भी आग्रह करें। लगभग हम अभी तक न्यूज से और नाम से भी सुने, हर जगह घोषित हुए हैं, यहाँ पे जो भी भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं,
और जो भी शीर्ष नेतृत्व का यहाँ पे निर्णय हुआ है हम उसको सह दिल से स्वीकार करते हैं। बक्सर की जनता की लोकल प्रत्याशी की मांग थी और मांग है और आगे भी रहेगी। इसको आप किस मानते? ये स्वाभाविक गुण है कि हर क्षेत्र के लोगों को अपने व्यक्तित्व को देखते हुए, अपने स्थान को देखते हुए लोकल का डिमांड होगा। ये हम कहेंगे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे बक्सर की जनता को अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और मांगना चाहिए। मिलना नहीं मिलना हमारे नेतृत्व करता, जो हमारे ही ऊपर यहाँ पे बक्सर के लोकल लोग नेतृत्व करते हैं, अगर उनमें सक्षमता नहीं है, वो लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई दूसरे पे डाल रहे हैं और अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, तो बक्सर की जनता की कहाँ दोष है? बक्सर की जनता तो चाहेगी कि हमारा लोकल लोग नेतृत्व करता हो।